मैं को कोई बाहरी है, इनका डीएनए गलत है तो मानिएगा क्या? इसे नहीं होना चाहिए। मेरा डीएनए खराब है, मैं इनका डीएनए जांच करना चाहता हूँ, ये हिंदू है कि नहीं। इन्होंने विधानसभा में कहा नहीं, इन्होंने कहा कि रणजीत सिंह का डीएनए जांच करेंगे। मैं विधानसभा में इन्होंने कहा था, मैं आज को कह रहा हूं बाबा इनका डीएनए जांच करिए, ये के पूरा जगह हिंदू नहीं होंगे तो मैं आईडी सजा ले लूंगा। अरे ये क्या हुआ है, सुनिए ना, देखिए सुनिए मेरा बात मुद्दे की बात होनी चाहिए, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं। 36% सुने, मेरी बात सुने, भूमियार थे, भूमियार भूमियार से मुस्लिम बना है ये, भूमियार से मुस्लिम बने, फिर भूमियार बनाना है इनका, गोतिया ये पहले जोल्हा थे, जोल्हा अच्छा, अभी कोला बनाएंगे। किसी कीमत पर टैक्स फ्री नहीं करेंगे हम लोग, हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, क्या मजाक है भाई। ईमानदारी की नई परिभाषा डॉक्टर इरफान अंसारी ने दिया है, कहा मेरा पेट स्लिम है इसका मतलब मैं ईमानदार हूँ, रणधीर सिंह का पेट निकला हुआ है इसका मतलब ये भ्रष्ट हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई है जिसको लेकर अब हर विधायक देखकर आए हैं तो कई तरह के चर्चा कर रहे हैं। रघुवर जी ने कहा है कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर देना चाहिए ताकि रेट घटे टिकट का और सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। देखिए कश्मीर फाइल्स में जो बातें आ रही है, जो दिखाया गया है, वो तो समझ से परे है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो जो डायरेक्टर है वो भाजपा का एजेंट है। कश्मीर फाइल क्या हो सकता है झारखंड में? कश्मीर फाइल आप झारखंड फाइल दिखाई ना कश्मीर में, तब मैं मानूंगा आपको इतने से इतना। अब यहाँ पे लाके लोगों का मन ख़राब करवा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें विश्वास है कि उसमें हिंदू मुस्लिम जरूर किया होगा, ये लोग भाईचारे को लौटने का प्रयास जरूर किया होगा। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें दिखाया होगा कि मुसलमान को मार रहा है, पंडित को मार रहा है, यही दिखाया होगा, ये नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ मूवी बनाइए, फिल्म बने, अच्छी सोच पे फिल्म बने ना। अब मारपीट दिखा रहा है, कहते टैक्स फ्री, किसी कीमत पर टैक्स फ्री नहीं करेंगे हम लोग, हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, क्या मजाक है भाई। तुमने तैयारी कहाँ से की? मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से आप लोग फिल्म बनाते हैं ताकि समाज में द्वेष फैले। देखिए इरफान अंसारी ने जो भी कहा भ्रष्ट, तो इरफान अंसारी खुद से भ्रष्ट विधायक हैं। मैं दूसरा बात बोला, आप भ्रष्ट ऐसा मत बोला, मैंने जी तो आप मैंने भ्रष्ट बोला, इन्होंने बोला, सुनिए आपने ईमानदारी की, भ्रष्ट और मोटा पेट अलग बात है, गलत बात। फिर आप देखिए द कश्मीर फाइल्स, बाबा द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी हमारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, कश्मीर से उन्हें भगा दिया गया, जमीनें छीन ली गई, जिहाद के नाम पर, इस्लामी जिहाद के नाम पर जो बलात्कार हुआ, हिंदू बहनों के साथ बलात्कार हुआ, धर्मांतरण कराया गया, और वो आज अगर सच्चाई को डायरेक्टर ने दिखाने का काम किया है तो मैं इरफान भाई से कहना चाहता हूँ इन्हें भी देखना चाहिए, इनके भी पूर्वज हिंदू थे, ये भी धर्मांतर कन्वर्टेड मुस्लिम है, और तमाम इस देश के मुस्लिम के पूर्वज हिंदू थे, और कश्मीर में जो हुआ है वो पूरे देश में नहीं होना चाहिए बाबा। रुके रुके, आपके पास कोई तर्क नहीं है कि कन्वर्टेड है या नहीं? ये घिसा, एक मिनट सुन, ये घिसा पीटा केसर बजाते हैं बार बार, यही बात कश्मीरी है, ये है, वो है। मैं कहना चाहता हूँ रणधीर जी को कि मुद्दे पे आइए ना, कौन क्या आया। मैं तो ये कहूँगा विभाग में 36% मैं कोई बाहरी है, इनका डीएनए गलत है तो मानिएगा क्या? इसे नहीं होना चाहिए। मेरा डीएनए खराब है, मैं इनका डीएनए जांच करना चाहता हूँ, ये हिंदू है कि नहीं। इन्होंने विधानसभा में कहा नहीं, इन्होंने कहा कि रणधीर सिंह का डीएनए जांच करेंगे। मैं विधानसभा में इन्होंने कहा था, मैं आज को कह रहा हूं बाबा इनका डीएनए जांच करिए, ये के पूरा जगह हिंदू नहीं होंगे तो मैं आईडी सजा ले लूंगा। अरे ये क्या हुआ है, सुनिए ना, देखिए सुनिए मेरा बात मुद्दे होंगे पूर्वज तो होनी चाहिए, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं। 36% सुने, मेरी बात सुने, भूमियार थे, भूमियार भूमियार से मुस्लिम बना है ये, भूमियार से मुस्लिम बने, फिर भूमियार बनाना है इनका, गोतिया ये पहले जोल्हा थे, जोल्हा अच्छा, सुनिए अभी कोला बनाएंगे। अच्छा सुनिए ना, मेरा मुद्दा है 36% सिर्फ पैसा बजट का खर्च हुआ स्वास्थ्य विभाग में, आप फिर भी कहते कि नहीं हमारा स्वास्थ्य विभाग मेरी बात सुनिएगा तभी हम बोलेंगे, बहुत अच्छा काम, मेरी बात सुनी तब हम बोलेंगे। मेरे एक बात उनको बोलेगा, रणधीर सिंह ये व्यक्ति सातिर है। अरे फिर आप सातिर में आ गए, हम बस सातिर सुनिए, ये सातिर है, जनता को गुमराह कैसे किया जाता है, एक्सपर्ट है ये लोग, दो नंबरी लोग हैं ये लोग। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार हमारा जो राशि खत्म नहीं हुआ, अभी समय दीजिए, अभी स्पीडली हम लोग काम करेंगे। और मैं रणधीर जी को विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ा सा
जनता देखती है, ये चैनल जरूर जनता देखेगी। थोड़ा एजुकेटेड बात कीजिए ना, अब हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्या है नहीं है, पूर्वजों में क्या जा रहे हैं आप, हम जो अगर अगर आप मुस्लिम थे पहले भाई, आप मुस्लिम थे पहले, पहले हिंदू पहले मुस्लिम, यही मेरा ये कहना है कि आप तब फिर किस दावे के साथ कहते हैं कि हमारा कोरोना काल में बहुत अच्छा काम हुआ। आपने देखा होगा जब अगर आप पैसा ही खर्च नहीं किए तो मुंह से काम कर दिए। देखिए देखिए बिल्कुल ये बात सही आपने कहा कि कोविड में हमारी सरकार ने काफी प्रयास किया, काम हो ना हो क्या खर्च होगा, जब पूरा लॉकडाउन था, सारी चीजें बंद थी, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, स्वास्थ्य विभाग का क्राइसिस था, डॉक्टर का कमी था, दवा का कमी था, मास्क का कमी था, सैनिटाइजर। सर मेरी बात सुनिए ना सर, एक अचानक पेंडेमिक बीमारी आ जाती है और सबको घबरा देती है, ऐसे में सरकार को ये लग रहा था कि करें तो क्या करें, कौन सा एपरेटस आएगा। अभी सदन में बात हो रही थी, इनके पास कह रहे हैं कि मेरे पास एकदम प्रॉपर काउज है, क्यों पैसा खर्च नहीं हुआ। अभी तो सदन में ये बोल रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग में काम बढ़िया नहीं हुआ, बाहर में उल्टा बोल रहे हैं ये मीडिया में। देखिए इरफान जी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, मजबूरी है इनकी, इनका दिल जल रहा है, ये इनको पता है कि स्वास्थ्य विभाग का स्थिति कितना बदतर है इस राज्य में। कृषि का क्या? नहीं नहीं प्राथमिक नहीं, किसी में बाद में आऊँगा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आपके सदर अस्पताल की स्थिति को देखें तो वहाँ इलाज नहीं हो पा रहे हैं और रिम्स का लोड बढ़ रहा है। तीन तीन मेडिकल कॉलेज रघुआ जी की सरकार में बनकर तैयार हो गया, दो मेडिकल कॉलेज में काम चल रहा है, उस मेडिकल कॉलेज को ये स्वास्थ्य मंत्री चालू नहीं कर पाए। एचओडी तक अभी तक आप ये बात देखिए मेरी बात मैंने देखिए हमारी सरकार है, हमने सरकार को भी आईना दिखाने का काम किया, रणधीर जी वहाँ पे थे, अकेला जी भी वहाँ पे, मैंने कहा कि स्वास्थ्य पे अब हम लोग देखिए गाड़ी वही है, ड्राइवर चेंज हो रहा है बार बार सरकार में, जब से झारखंड बना है तो ऐसा ड्राइवर को बिठाइए जो सारा चेंज करे। हेल्थ जो है, अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर आपका हेल्थ नहीं ठीक रहेगा तो हम मंत्री बन के क्या करेंगे, आप पैसा कमा के क्या कीजिएगा रणधीर जी, जब आपका हेल्थ सही नहीं देगा तो हेल्थ की गारंटी मैंने कहा है राइट टू हेल्थ, राइट टू एक्ट जो होता है, जैसे राइट टू फूड, जैसे हम फूड का अधिकार दिए लोगों को, उसी तरह आपको स्वास्थ्य का अधिकार देना होगा। मैंने सदन में ये बात कहा, जब तक आप स्वास्थ्य की गारंटी आप हमारे लोगों को नहीं दीजिएगा तो वो सर्वाइव कैसे करेगा, मजबूर है वो, इलाज के बेवश हो गया लोग, इलाज नहीं हो पाता है। बन्ना जी को नहीं बोलते, बन्ना जी तो बोल रहे हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मेरी बात सुन, मैंने ये भी कहा कि जो भी मंत्री बने, आपने मेरी बातों को सुना होगा सदन में, केवल अपना स्वास्थ्य सुधारने का काम किया अब तक, सच्चाई यही है। कोई भी मंत्री हाँ, चाहे किसी भी दल, हाँ किसी भी दल का देख लीजिए, रघुवंशी जी थे, उनका पेट देखिए अपने नाम से मेडिकल कॉलेज खोल लिया। अरे भाई आपको इतना पैसा कमाने का शौक है, स्वास्थ्य के प्रति आप लोग क्या किए। रणधीर जी भी मिनिस्टर, नहीं अभी सुनिए ना, अभी एक और एक मंत्री बना भानु प्रताप शाही जी, अब बताइए ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप पे केसेस चल रहे हैं, आपके क्रिमिनल केसेस चार्जेस फिर हमें आप पर, आपने दवाई घोटाला किया, आपने वेंटिलेटर बेच दिया, आपने हॉस्पिटल बेच दिया, आपने सारा स्वास्थ्य व्यवस्था को आपने बेच दिया, और आप बात कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, ये अच्छी बात नहीं है, हम चाहते हैं व्यवस्था सुधरे। हमने रणधीर जी भी मिनिस्टर रहे, कृषि मंत्री, नहीं देखिए अब देखिए, अब मैंने कहा कि पेट फूलना, इनका भी पेट फूला है लेकिन काम किए हैं, ये काम किए हैं। और सुनिए मैं ये कह रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य की व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि अच्छे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा काम किए, ये इनका सर्टिफिकेट है। रुकिए रुकिए अकेला जी, आपका है, आपका तो पैसा वापस हो रहा है, सुन रहे हैं, हमने दे दिया, ले लिए तो आप पैसा दिए थे रुपेश पांडे के परिजन को, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको जाँच करा दीजिए, तो करा भैया, छह आदमी का पांच आदमी की जेल भेजवाए, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाया, वो तो यानी कि मानवता उन लोग सरसार कर दिया, बीजेपी वाले लोग कह रहे कि मॉब लिंचिंग हो रहा कुछ, वो विषय बार मत आइए, मॉब लिंचिंग, जेल गया मारने वाला जेल गया और जाएगा, लेकिन इतना ओछी हरकत हम नहीं समझे थे। उधर विधायक विनोद सिंह का आपका आंकड़ा ही गलत है, 2016 से 21 तक में 58 मॉब लिंचिंग की घटना हुए, सरकार कर रही है सदन में नहीं, 48 हुई, 48 ये सुनिए मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण कि 2016 में आरएसएस के कवि कुमार गुप्ता की हत्या हुआ था, उस समय एक्स विधायक में था, उस समय माननीय मनोज यादव जी विधायक थे, मनीष जसवाल विधायक थे, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, बाबूलाल मरांडी हारे हुए थे, मनी जयंत सिन्हा थे, उस परिवार को इन लोग देखने का काम नहीं किया और मैंने इंसाफ लड़ाई लड़के जेल भेजवाया और उस लड़ाई में हमको देखिए मॉब लिंचिंग का भी आप परिजन का जात देख के उनके पास जा रहे हैं। देखिए ऐसा है, रुपेश पांडे की हत्या मॉब लिंचिंग में हुई और ये विधायक कितने
बेशर्म हैं अकेला जी, इन्होंने जाकर 50,000 रुपया दे दिया। 50,000 रुपया दे के आप हिंदू के सेंटिमेंट को नहीं खरीद सकते हैं। एक नहीं नहीं नो ये तबेज नहीं तबेज की हत्या चोरी से हुई थी। ये सगा में हंगामा कर रहा था, रघुआ जी की सगा में हंगामा कर रहा था कि मामले जी हुआ। ये सरस्वती पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान रुपये पांडे की हत्या हुई है और यार कांग्रेस में रहने चले उल्टा फांसा बोल रही है। वे उनके परिजन को, ये सरकार में है दोनों विधायक, इनके परिजन को न्याय दिलाइए। आज मंत्री अकेला जी के पास जो उनके परिजन गया था, रो रहा था, हमने वीडियो देखा, रो के पैसा लौटा रहा था। क्या यही है इनकी नैतिकता? बिल्कुल उनको न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो सदन चलने नहीं देंगे हम लोग, एक जगह बजा देंगे। देखिए अकेला जी, मैं बोल दे रहा हूँ, देखिए रणधीर सिंह की हर बात पर जाति धर्म आ जाता है। देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए, रुपेश पांडे की हत्या हुई है, सुनिए ना रुपेश पांडे की हत्या हुई है, हम सुनिए ना रुपेश पांडे की हत्या हुई है, हम लोग खंडन करते, हम लोग सर देखिए, हम लोग काफी, सुनिए ना रुपेश पांडे, आप बात सुनिए, हाँ दीजिए देंगे बिल्कुल, देखिए सुनिए, देखिए आपको सुनिए, ऐसा है कि जो रुपेश पांडे की जो हत्या हुई, सुनिए अकेला जी, आप क्या बोल रहे हैं भाई, आप क्या बोल रहे हैं? जब कानून आप बनाए सदन में तो मोबिलिटी का धार क्यों नहीं लगाया? हितैषी है क्या? अब हितैषी है क्या? अब बात करें उल्टा, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरा, सुनिए रुपेश पांडे देखिए, आप देखिए तबरेज अंसारी को मारा, देखिए आपका इलाका है, आप अगर तबरेज का मामला खोला है सदन में तो रुपये पाने के मामले में भी सही बोलिए आप, आपका एरिया है, अकेला जी अकेला समझेंगे, इनका पक्ष अकेला जी समझेंगे, रुपेश पांडे वाले पे, देखिए रुपेश नहीं बोलेंगे आप लोग का ड्रामा नहीं चलेगा, रुपेश पांडे क्लियर कर दो, देखिए आप सुनिए, रुपेश पांडे के जो मामला है सुन लीजिए, एक मिनट, रुपेश पांडे की हत्या हुई इसकी हम निंदा करते हैं, रुकिए ना भाई, रुपेश पांडे की जो हत्या हुई हम लोग काफी दुखी हैं, मर्माहत हैं और सरकार भी काफी चिंतित है। जो हत्यारों को हम लोगों ने सुने, हत्यारों को हम लोगों जेल भेज दिया है, कानून अपना काम कर रही है। दूसरी बात है कि अकेला जी ने, देखिए अगर रुपेश पांडे की माँ को अगर हम लोग करोड़ रुपया भी दे देना है वो हम जान नहीं ला सकते, ठीक है, एक प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। ये व्यक्ति अपना प्रयास किया, इसको इस तरह से दिखाया गया, अकेला जी मेरा खास आदमी है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है 5 ही रुपया दिया ही जरूरी नहीं है, लेकिन उनके साथ खड़े रहे बेचारे, और पैसा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ होगा, हम पैसा नहीं ला रहे, बीच में एक प्रयास किया, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं बेचारे वो, और लेकिन जिस तरह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी परिजन तो कह रहे 5 आदमी लोग जिस तरह थे, ये लोग हितैषी है क्या? ये लोग भाजपा हितैषी है क्या? ये हितैषी है, वो यहाँ विधायक है, ये हितैषी है, हिंदू का हितैषी है भाजपा, हाँ हिंदू का हितैषी भाजपा है, अकेला जी हितैषी नहीं है, हाँ ये, अरे इन लोग हिंदू के ठेकेदार है, देश के बेच दिया, देश के बेच रहा है, खत्म हो जाएंगे, चुनाव जीत के नहीं आएंगे, ये मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं अकेला जी, वहाँ पे इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया है कि वहाँ पे जो मुस्लिम अपराधी है उसको सजा नहीं मिले, अकेला जी ने दबाव बनाया है, ये नहीं चलेगा, दोहरी नीति, ये दोगली नीति जो ये लोग कर रहे हैं तुष्टिकरण के नाम पर, ये नहीं चलेगा, पागल हो गए, पागल पगला गए हैं, अभी होली है ना, चढ़ा लिया लगता है, रंग में भंग कर रहे, हिंदू का ठिकाने नहीं लिए हैं, खत्म हो जाएगा, और झारखंड में भी साफ हो जाइएगा बहुत जल्दी, नजर नहीं आइएगा सदन में आप, देखिए सत्ता पक्ष के विधायक चल हैं, क्या अभी बोलना है रणधीर जी, बदवा मत दिए, होली है, चल रहे हो, ठीक है, देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि सरकार अगर तुष्टिकरण की राजनीति करती रही तो जो चार राज्यों में जो हाल हुआ वही झारखंड का भी होगा, वो कह रहे हैं कि हिंदू का ठीका मतलब बीजेपी, अब रणधीर जी आपको वो कह रहे हैं कि 5 आरोपियों को सजा हो जेल में डाल दिया गया है, अब बीजेपी क्या चाहती है? बीजेपी ने परिजनों को बताया, समझाया, गुमराह किया, इसलिए वो पैसा ले जाकर वापस दे दिया। बाबा मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ, मॉब लिंचिंग का केस जो आपने बनाया था, मॉब लिंचिंग का धारा लगना चाहिए, मॉब लिंचिंग का धारा लोगों ने लगाया ही नहीं, और केस को इतना हल्का कर दिया है, सरकार के दबाव में, सरकार के संरक्षण में वो केस को हल्का किया गया, और भी अपराधी को अभी तक सलाखों में नहीं डाला गया, 5 को आइस वॉश किया गया, और उसके परिजन आज दुखी हैं, हर हिंदू समुदाय दुखी है, और रुपेश पांडे हो चाहे जिस तरह की भी, जिस तरह से इस सरकार के बनने के बाद लगातार मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ी है बाबा, इसको स्वीकार करिए आप, जब तबरेज जो चोरी करने के लिए गया था, वो
चोरी करने मारा गया हो, उसको मोबिलिटी का लोगों ने देने का काम किया। पर चोरी का तो कोई कोई भी किसी को चोर बोल के मार देगा, या चोर भी है वो मान लीजिए, तो आप उसको मार दीजिएगा, कानून इसकी इजाजत देता है। अभी संथाल परगना में आप आइए, मैंने उस दिन सदन में उठाया, जिस तरह से गो तस्करी वहाँ बढ़ी है, अभी मेरे इलाके में एक कृष्णा चौधरी है, बेचारे चार गाय रखे हुए थे घर पर, घर के घुस के चार गाय निकाल के ट्रक से लोड करके ले गया, इतना इस सरकार में अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। अब खुदा न खास्ते कहीं पर किन्हीं को अगर यदि कोई चोरी करते पकड़ा गया और कोई मार दिया उसको, मर गया वो, तो बोलेगा कि मोबिलिटिंग हो गया, तो चोरी करने के लिए गया उसको मोबिलिटिंग बता दोगे आप? यहाँ रुपेश पांडे को हत्या जो आप किए गए वो तो सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन में बेचारा लड़का जा रहा था, निर्दोष था वो, क्या वो चोरी करने के लिए गया था? पर चोर को भी कानून तो अधिकार नहीं देता ना कि रणधीर जी मार के मोरा देंगे, अधिकार नहीं देता है, मैं नहीं कहता हूँ कानून, लेकिन अगर कानून में नहीं दिया अधिकार, फिर भी कहीं मोमेंट में अगर चोरी कर रहा है पकड़ा गया वो, कहीं मार दिया जिसे तबीज के साथ हुआ, उसको बड़ा ये लोगों ने हाय भाई हवा देने का काम किया था पिछली सरकार में, जब विपक्ष में जब ये लोग थे। ठीक है, मुद्दा ये यहाँ सहानुभूति का नहीं है, मुद्दा ये है कि जब हम थे तब कैसे मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठ रहा था, तो अभी जब घटना घटी है तो हम उठाएंगे, यही मुद्दा है। जनता का सरोकार सत्ता और विपक्ष से कितना है वो आप समझिए, लेकिन मुद्दा भी चुन चुन कर विपक्ष उठाती है और सत्ता पक्ष भी जवाब गोल गोल देती है, भला आपका कितना होगा वो सुनिएगा। शुक्रिया। तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैंने अपना सिलेक्शन RRBPO 2022 को प्रथमा बैंक में लिया है। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है, मुझे अलाहाबाद बैंक मिला है। मेरा सिलेक्शन RRBPO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRBPO 2022 में सिलेक्शन लिया है UP लखनऊ में। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIBM। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in